हमारे साथ हैं इस वक्त परिवहन मंत्री मदन मित्रा साहब। मदन दा, कल आपने कहा था कि सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा, आज देख रहे हैं कि बस है, रोड पर टैक्सी है, क्या कहेंगे? हाँ, सुचारू पर चल रहे हैं, ये जनता की सेवा में हैं, आम जनता की बड़ी सेवा में हैं, और शांति भी है रोड में, प्रशासन भी है, लेकिन जो जो चिल्लर हैं, हाँ, उसका वो उसको कहते हैं, माने ये जो भी करो, हाँ, वो ये क्या है, ये लोग अपना चेहरा अपना रंग कभी बदल नहीं रहे। हाँ, तो CPM बदमाशी करने का कोशिश कर रहा, जैसा हावड़ा में गाड़ी जा रहा था, दूर से ईंट मार रहा था, कुछ फायदा नहीं हुआ, सभी आ गया, और आम हजरा से आ रहा था, ऐसा हम देखा कि बच्चे लोग कैंसर को एक मरीज, और ये एक मरीज वो डिलीवरी पेशेंट, उसको रोक दिया, तो हम बोला इसको छोड़ो, तो चिल्लाने शुरू किया कि जब TV में दिखाएगा तो होगा कि ये हुआ, सब कुछ नहीं हुआ। तो आम आदमी से परिवहन मंत्री क्या अपील करेंगे? आप निकालिए, जो भी आया इसके लिए धन्यवाद, और भी रोड पे आइए, रास्ते पे आपका सेवा परिसेवा इधर में तैयार है सरकार की ओर से, अपना काम करिए, शांति से रहिए, और ये जो तोड़ भांग वाला पार्टी ये चला गया, इसका पैर का नीचे कुछ नहीं है, जमीन कुछ झंडा है, कुछ झंडा है और कुछ पंडा है, इसको छोड़ के इसको कुछ नहीं है, यह अभी बेकार है, इसको जितना मुकाबला करे वही अच्छा है। सरकार की तरफ से कोई कंट्रोल रूम? कोई कंट्रोल रूम है 2214-4014, 2214-5700, और ये 24 घंटा के लिए है, 48 घंटा के लिए है, और कोई किसी की मुसीबत होगा, कोई खतरा होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, साथ साथ ये हमको कंट्रोल में देने से हम लोग पहुँच जाएंगे। मतलब ना, लास्ट सवाल है कि माँ माटी मानुष की जो सरकार है, उसने कहा था कि बंद के खिलाफ है वो, चाहे कोई भी बंद हो, आम आदमी को उससे फायदा नहीं होता है। बंद को एक बार के लिए ये तो सही है, आने वाला दिन में जैसे जिंदगी में कभी बंद ना हो, ऐसा बंदोबस्त किया जाएगा।